नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है अद्भुत टीम इंडिया में। और आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ तुलसी के पौधे के आश्चर्यजनक गुणों के बारे में। दोस्तों, ये गुणों की खदान है और इसे एक वीडियो के माध्यम से कंप्लीट नहीं किया जा सकता है, लेकिन फिर भी आज हम अद्भुत टीम इंडिया के माध्यम से आप सभी को तुलसी पौधे के गुणों के बारे में कुछ जानकारियाँ देंगे, ताकि आप सभी इसके असाधारण गुण और इससे मिलने वाले लाभ को जान सकें। तो चलिए चलते इस वीडियो की शुरुआत करते हैं। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है, अगर आप रोज तुलसी की पूजा करते हैं, तुलसी को जल अर्पित करते हैं और किसी कारणवश आपके घर में तुलसी का पौधा सूख जाता है, तो ये वीडियो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। हमारे घर में मौजूद तुलसी का पौधा असल में एक वैद्य के समान होता है। इसे घर में होने से वास्तु दोष दूर होते हैं और आने वाली मुसीबतों और परेशानियों के संकेत ये हमें पहले से ही दे देती है। अगर बात वैज्ञानिक आधार पर की जाए तो ये हवा को शुद्ध करता है, वातावरण में सकारात्मकता लाता है, साथ ही इसकी पत्तियों में मधुमेह, रक्त विकार, सर्दी जुकाम जैसी कई बीमारियों को दूर करने के गुण भी पाए जाते हैं। ये हमारे रोग प्रतिरोधक क्षमता को भी बढ़ाती है। कुल मिलाकर कहा जाए तो हमारे शास्त्रों में तुलसी की महिमा के संबंध में हजारों बातें उल्लेखित हैं, जो ये बयां करती है कि तुलसी का पौधा मनुष्य जीवन के लिए कितना उपयोगी है। हिंदू धर्म में तुलसी को देवी माना जाता है और इसीलिए तुलसी के पौधे की पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ पूजा की जाती है। ऐसा कहा जाता है कि अगर घर में तुलसी का पौधा होता है तो परिवार के सभी लोगों पर बुरी नजर का प्रभाव नहीं होता है और सभी बुराइयां और नकारात्मकता परिवार के सदस्यों से कोसों दूर रहती है। ऐसी मान्यता है कि जिस घर में तुलसी होती है और उसकी सही प्रकार से देख रेख की जाती है, उस घर पर सभी देवी देवताओं की कृपा बनी रहती है। शास्त्रों के अनुसार तुलसी के विभिन्न प्रकार के पौधे मिलते हैं। उनमें श्री कृष्ण तुलसी, लक्ष्मी तुलसी, राम तुलसी, भू तुलसी, नील तुलसी, श्वेत तुलसी, रक्त तुलसी, वन तुलसी, ज्ञान तुलसी मुख्य रूप से विद्यमान है। सबके गुण अलग अलग हैं। शरीर में नाक, कान, वायु, कफ, ज्वर, खांसी और दिल की बीमारियों पर खासा प्रभाव डालती है। तुलसी का पौधा हमें घर पर आने वाली मुसीबतों को लेकर आगाह भी करता है और इसीलिए जिस घर पर कोई परेशानी आने वाली होती है, सबसे पहले वहां तुलसी सूख जाती है। कई बार ऐसा होता है कि पूरी देखरेख के बाद भी कुछ घरों पर या कुछ जगहों पर तुलसी पनप ही नहीं पाती। अगर घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो सूखी हुई तुलसी के पौधे को घर में रखना नहीं चाहिए, बल्कि इसे किसी पवित्र नदी में प्रवाहित कर देनी चाहिए। सूखा हुआ तुलसी का पौधा घर पर रखना अच्छा नहीं माना जाता। इसके अलावा तुलसी के पौधे से जुड़ी और भी कई चीजें हैं जिनका ध्यान रखना बेहद जरूरी है, जैसे कि तुलसी के पत्तों को कभी दांत से चबाना नहीं चाहिए। इसे हिंदू धर्म में पूजनीय माना जाता है, इसीलिए इसे बिना चबाकर ही निकल जाना चाहिए। तुलसी के पत्ते को एकादशी, रविवार, सूर्य या चंद्र ग्रहण के दिन तोड़ना भी वर्जित है। भूलकर भी इन दिनों तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए। इसके साथ ही बेवजह कभी तुलसी के पत्ते को नहीं तोड़ना चाहिए, ऐसा करने से तुलसी को नष्ट करने के समान है। यूं तो तुलसी का प्रयोग पूजा और सभी धार्मिक कार्यों में होता है, लेकिन भगवान शिव को तुलसी अर्पित नहीं की जाती। इसके साथ ही अलग अलग मनोकामनाओं से तुलसी के पौधे को अलग अलग दिशाओं में लगाना चाहिए, तभी आप अपने उद्देश्य में सफल हो सकते हैं। घर में तुलसी लगाने के पश्चात व्यक्ति को रोजाना तुलसी की पूजा करनी चाहिए और शाम के समय तुलसी के पास दीपक रोज जलाना चाहिए। ऐसा करने से उस व्यक्ति और उसके परिवार पर महालक्ष्मी की कृपा बनी रहती है, घर में बरकत रहती है और धन संबंधी सभी परेशानियां दूर रहती है। तुलसी का पौधा हमारे मनुष्य जीवन के लिए एक वरदान है, उसका सम्मान करें और इसकी देखभाल अच्छे तरीके से करें, क्योंकि ये आपके घर की तरफ आ रही उन सभी अनचाही परेशानियों से आपको बचाती है जो आपको खुली आंखों से नहीं दिखती है, परंतु ये आपके दिल और दिमाग पर एक गहरा असर छोड़ती है। तो दोस्तों, कैसा लगा आप सभी को वीडियो, हमें कमेंट बॉक्स के माध्यम से जरूर बोलिएगा। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर और हमारे चैनल अद्भुत टीवी को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। मैं हूँ आपका दोस्त प्रदीप, जल्दी मिलता हूँ आप सभी से एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।